नमस्कार, गैंडीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत हुए स्कूलों की मरम्मत और निर्माण कार्य का लोकार्पण। शिक्षकों को संबोधित कर कहा, आपको छत्तीसगढ़ का भविष्य करना है सुरक्षित। भिलाई के टाउनशिप स्थित सेक्टर 4 में हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। हजारों गैलन पानी से भारी दो टंकियां अचानक हुई धाराशाही। विधायक और महापौर ने मौके पर निरीक्षण कर ली जानकारी। हमर क्लिनिक के भूमि पूजन पर पहुंचे दुर्ग विधायक और महापौर को करना पड़ा विरोध का सामना। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता हुए आमने सामने। विस्तार से मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अंतर्गत लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेने ऑडिटोरियम पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का जो लॉस हुआ है वह पूरे देश में सबसे कम हमारे छत्तीसगढ़ को हुआ है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आप ऐसे शिक्षक बनेंगे जिनका वर्तमान भी सुरक्षित है और भविष्य भी। आपको ओल्ड पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि आपको छत्तीसगढ़ का भविष्य सुरक्षित करना है। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों के मरम्मत एवं कक्षाओं के निर्माण कार्य का लोकार्पण पहली बार हुआ है। मुख्यमंत्री ने शिक्षक भर्ती 2023 अंतर्गत चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य लेकर हम लोग सत्तारूढ़ हुए और उस समय बड़ी चुनौतियां थी सभी क्षेत्रों में। एक तरफ किसान थे जिसकी माली हालत खराब थी, दूसरी तरफ हमारे वनांचल में रहने वाले, चाहे बस्तर हो सरगुजा हो, लघुओं का संग्रहण करते थे उनको दाम नहीं मिलता था। तीसरी तरफ जहां लगातार छोटी छोटी बीमारियों से लोगों की मौत हो जाती थी, इलाज नहीं मिलता था। और चौथी बात, शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति बहुत ही विकट। 1998 के बाद से शिक्षक की कोई भर्ती नहीं हुई। साथ ही जितने भी शाला भवन थे वो जर्जर हो चुके थे और खासकर बस्तर जैसे अंचल में जहां नक्सल प्रभावित थे वहां स्कूल बिल्डिंग तक उड़ा दिए, बक्स उड़ा दिए। जो स्कूल थे उसे राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, समाज को नई दिशा देने वाले को कहा जाता है। और यह भी कहने में मुझे प्रसन्नता है कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के समय छत्तीसगढ़ के शिक्षकों ने जो कार्य किया वो पूरे देश के सामने मिसाल बना। कोरोना में जहां स्कूल बंद थे, सब लोग घर में कैद थे, ऐसे समय में हमारे शिक्षक अपने जान जोखिम डाल के कोई मोटरसाइकिल वाला गुरुजी बना, कोई छतरी वाला गुरुजी बना, कोई टेलीविजन वाले गुरुजी बना, कितने नवाचार हमारे पास वीडियो अपलोड किए, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑफलाइन पढ़ाई। और इसी कारण से पूरे देश में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि जो पढ़ाई में जो लॉस हुआ है वो हमारी छत्तीसगढ़ में सबसे कम हुआ है। ये हमारे शिक्षकों की उपलब्धि। तो आज एक बड़ी जिम्मेदारी, जहां आपको आपके हाथ में नियुक्ति पत्र मिला है, आपके और आपके परिवार का भविष्य सुनिश्चित हुआ है, और फिर ये भी कि आप ऐसे शासकीय सेवक बने, शिक्षक बने। हमने क्या गलत किया? और फिर उस दिन से मैंने सोचा सभी बच्चे मेरे अपने हैं, उनको भी वही सुविधा होना चाहिए जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी या हिंदी बच्चे। और फिर बजट में सर्वाधिक राशि आज तक के 150 करोड़ प्रति वर्ष, वो तो 5 लाख से बताया आलोक शुक्ला जी, 3-4 में 5 लाख रुपया था,
संधारण के लिए बढ़ के 5 करोड़, फिर आखिर में 150 करोड़ तक के साथ 17-18। लेकिन अब इस साल 2100 करोड़ से भी अधिक की राशि संधारण ताकि जब हम स्कूल को विद्या का मंदिर कहते हैं तो मंदिर है वो भग्नावशेष नहीं होना चाहिए, उसकी कोई पूजा नहीं होती, वहां पर पूजा अर्चना करने नहीं जाता। तो मंदिर स्वच्छ भी होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, पूर्ण भी होना चाहिए, उसी में पूजा करने जाते हैं। तो हमारी जो विद्या का मंदिर है वो क्यों जीर्ण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अडानी को आड़े हाथों लेते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में ये बैलाडीला खदान लेना चाहते थे, रमन से दिए थे, हमारे कारण से रुका हुआ है। अभी कोयला खदान जो SCL का उसको दे दिया अडानी को, और जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसमें 39 खदान है, उसमें निगाह थी 1950 वर्ग मीटर, तो हमने आरक्षित कर दिया है। अडानी और वो खदान के बीच में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, कांग्रेस की सरकार है और ED ID का छापा पड़ता ही इसलिए है। यदि छत्तीसगढ़ को बचाना है, यहां के लोगों को बचाना है, तो आपको कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना पड़ेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये बैलाडीला खदान लेना चाहते थे, रमन सिंह दिया था, हमारे कहां से रुका हुआ है। अभी कोयला खदान जो SCL का है उसको दे दिया अडानी को, और जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसमें तो 39 खदान है, उसमें निगाह थी, तो 1950 वर्ग किलोमीटर का हमने आरक्षित कर दिया है। तो अडानी और वो खदान के बीच में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, कांग्रेस की सरकार है, और ये ED ID छापा पड़ता है इसीलिए। तो यदि छत्तीसगढ़ को बचाना है, यहाँ के लोगों को बचाना है, तो आपको कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना पड़ेगा, अन्यथा BJP को वोट देने का मतलब ये है कि वो अडानी पूरा सौंपना है, बटन दबाओ के कमल में तो VVPAT में अडानी निकलेगा। राजधानी रायपुर में 2 दर्जन से अधिक गौवंश की मौत के मामले में भाजपा ने कांग्रेस की सरकार को घेरा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस सरकार सनातन एवं गौ विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोग सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं, कांग्रेस उनके साथ गठबंधन कर रही है, और यहाँ प्रतिदिन गौ माता की मौत हो रही है। इतनी बड़ी संख्या में गौ माता की मृत्यु के जिम्मेदार भूपेश सरकार है। देखिए, जिस प्रकार से ये जो घमंडी गठबंधन है, जिस प्रकार से सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, जिस प्रकार से बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए काम कर रहे हैं, कल जिस प्रकार के ये बात हुई है, और आज जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में गौ माता की मृत्यु हुई है, और लगातार छत्तीसगढ़ में सड़कों में गौ माता की मौतें हो रही है, ये बताता है कि किस प्रकार से राज्य की भूपेश बघेल की सरकार इस प्रकार के कृत्य कर रही है। जनता कभी माफ नहीं करेगी। गौ माता की ये जो मौत हुई है, इसकी कोई दोषी है तो राज्य की भूपेश सरकार है, कांग्रेस पार्टी है। BSP के टाउनशिप स्थित सेक्टर 4 में मंगलवार की सुबह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ हजारों गैलन पानी से भरी 2 टंकियां अचानक ध्वस्त हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मेंटेनेंस ऑफिस के कुछ हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। इन टंकियों से सेक्टर 4, सेक्टर 3 स्थित आवासों को जलापूर्ति की जाती है। पानी टंकी गिरने की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक और मेयर मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। टाउनशिप क्षेत्र में मंगलवार की सुबह भिलाई पास संयंत्र की 2 पानी टंकियां भरभराकर गिर पड़ी। दरअसल एक पानी टंकी के गिरने के पूर्व टंकी से जल रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से वहां टंकी के नीचे खड़े लोगों में दहशत फैल गई और वह मौके से भाग खड़े हुए। इसके कुछ क्षणों उपरांत ही एक पानी टंकी गिरी, जिसका मलबा दूसरी पानी टंकी पर गिर पड़ा और दोनों ही पानी टंकियां भरभराकर नीचे गिर पड़ी। पानी टंकियों के गिरते ही टंकियों में भरा पानी आसपास के क्षेत्र में फैल गया। इन टंकियों के जरिए सेक्टर 4 सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की जाती थी। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकत्र हो गई। भिलाई इस्पात संयंत्र का फायर अमला और पुलिस विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। इस घटना की जानकारी लगते ही भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और
महापौर नीरज पाल तत्काल मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से चर्चा की। विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल काफी वक्त तक घटना स्थल पर मौजूद रहे और आसपास के लोगों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध कराई। तत्पश्चात विधायक और महापौर ने बीएसपी के अधिकारियों के साथ बैठक की और टाउनशिप क्षेत्र के अन्य स्थानों में बनी पानी टंकियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही पानी टंकियों के रख रखाव और संधारण को लेकर बीएसपी के अधिकारियों से चर्चा की। घटना के काफी देर तक मौके पर लोगों की भीड़ जमी रही। लोग इस घटना के पीछे बीएसपी प्रबंधन की उदासीनता को ही कारण मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी टंकियों को बनाए वर्षों बीत चुके हैं, कुछ पानी टंकियों में रिसाव भी लगातार होता है। बावजूद पानी टंकियों के संधारण और रख रखाव को लेकर बीएसपी प्रबंधन उदासीन बना हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह की दुर्घटना सामने आई। पूरी घटना को लेकर विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोगों को भी सुबह 6 बजे की ये घटना की जानकारी मिली और इसके बाद हम लोग सब लोग यहाँ पर पहुँचे। ईश्वर की कृपा से किसी कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, बीएसपी प्रबंधन को लगातार इन सभी चीज़ों की शिकायतें हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये घटना हमारे लिए एक सबक है, बीएसपी प्रबंधन के लिए एक सबक है कि कैसे आने वाले समय में पूरे टाउनशिप एरिया की जो जर्जर बिल्डिंग्स हैं या जो भी डैमेज, भले वो सीवरेज लाइन हो, वाटर लाइन है, ये सब पे एक गंभीर रूप से एक्शन की ज़रूरत है। मैंने देखा है पिछले समय में PSUs को जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसके बाद उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इंटरेस्ट पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। आज के लिए हमारे लिए तो सबसे त्वरित चैलेंज ये है कि हमें हमारे लोगों को पानी पहुंचाना है। हम लोगों का पूरा फोकस ये है कि सेक्टर 4 सेक्टर 3 के जो परिवार के लोग हैं हमारे, उन तक पानी कैसे त्वरित रूप से पहुँच जाए। एक अस्थायी व्यवस्था आज दोपहर तक हम बना लें और इसके बाद हम आने वाले दिनों में स्थाई भी व्यवस्था बना के दें, क्योंकि ये जो टंकी गिरी है, अब यहाँ से मुझे लगता है कि 2 सेक्टर्स को लोगों को पानी जाता था, टंकी तुरंत बन नहीं सकती। एक पैरेलल स्थाई व्यवस्था हमको ज़रूरत है ताकि लोग सामान्य जीवन जी पाएँ। तो चैलेंजिंग है, हम निगम प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह मौजूद है और पूरी ताकत से हम लोग काम कर रहे हैं। हम बीएसपी प्रबंधन से भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लोगों के लिए खड़े होकर लोगों को सुविधा प्रदान कर पाएं। देखिए, हमने तो पहले भी बीएसपी को ये सभी चीज़ों के लिए लगातार सचेत किया है, लेकिन अभी एक कॉमन डिस्कशन के बाद रोड मैप बनाया जाएगा और इसके बाद आप देखिए, बहुत सारे व्यूज़ आए हैं सुबह से बात करते हुए, लेकिन इसको ऑन टेबल विद डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स डिस्कशन करने के बाद हम इसको जारी करेंगे कि किस तरफ बढ़ रहे हैं। बीएसपी के अभी उच्च अधिकारी यहाँ पहुँचे नहीं हैं, वो सब लोग आ जाएँ, उसके बाद हम लोग सब चीज़ें फाइनलाइज करेंगे। देखिए, जिम्मेदारी तो अब ये तय होगी बाद में कि क्यों गिरी, कैसे गिरी, लेकिन एक बात निश्चित है कि पहले सबसे प्राथमिकता तो यह है कि सबको पानी मिल सके। जिन सेक्टर 4 के पूरे घरों में आज प्रभावित पानी पूर्ति जो होती है वो प्रभावित होगी, पहली प्राथमिकता तो पानी की है। पहले पानी पहुंचे, उसके बाद है कि बात है कि जिम्मेदारी किसकी है, ये तो बीएसपी प्रशासन तय करेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि बीएसपी अगर टाउनशिप में अगर ध्यान नहीं देगा तो ये तो एक आज भगवान का बहुत शुक्र है कि कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो उसके लिए बीएसपी को जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंगें, बहुत सारे भवन ऐसे हैं जो अब जर्जर हो चुके हैं। इन सब चीज़ों का निर्माण आज से 55 साल पहले हुआ था और मेंटेनेंस नहीं होने के कारण, लगातार लापरवाही भी जो रही है टाउनशिप को लेकर, उसके कारण ही ऐसी आज ये घटना हुई है। भगवान करे आगे ना हो, इसके लिए बीएसपी। पानी टंकियों के गिरने से किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन वर्तमान में कुछ स्थानों पर पानी टंकियों के नीचे थानों सहित अन्य कार्यों का संचालन किया जाता है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने बीएसपी प्रबंधन को ठोस पहल किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अब वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी,
प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर भकंदर हाइड्रोसिल गुप्तरोग चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरूनगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023-24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई, कॉन्टेक्ट नंबर 07884030903, 07882229714, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच, जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077111, 7773077122।
धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंज पारा, जी रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हर षष्ठी के पावन अवसर पर वार्ड 16 की पार्षद एवं एमआईसी सदस्य केशव चौबे के निवास स्थान पर हर षष्ठी की पूजा विधि विधान से की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर उपस्थित हुए। पूजा के दौरान महिलाओं ने पूजा अर्चना कर अपने पुत्रों की दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान पंडित द्वारा हर षष्ठी व्रत कथा सुनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्रतधारी महिलाएं उपस्थित रही। हर षष्ठी के पावन अवसर पर भिलाई 3 दक्षिण वसुंधरा नगर की महिलाओं ने अपने पुत्रों की दीर्घायु होने की कामना करते हुए भूमि पर सगरी बनाकर विधि विधान से हर षष्ठी देवी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्रतधारी महिलाएं शामिल रही। हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर षष्ठी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। वही संतान की लंबी आयु और निरोगी जीवन की कामना के साथ भिलाई दिन के दक्षिण वसुंधरा नगर की महिलाएं मंगलवार को हर षष्ठी का व्रत कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। ऐसी मान्यता है कि व्रती महिलाएं इस दिन हल से जोत कर खेत में होने वाले अनाज और सब्जियां नहीं खाती है। व्रत में केवल तालाब में पैदा होने वाली वस्तुओं को ही खाती है। वहीं हर षष्ठी का पर्व कुछ जगहों पर ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। हर षष्ठी भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन बलराम का जन्म हुआ था। अपना पुत्र पुत्रियों के लिए रखते हैं और इस त्यौहार में हम कॉलोनी के वासी की सभी माताएं पूजा करते हैं, जिसे पसेहर चावल जो बिना हल के जोते हुए रहता है उसी को हम लोग ग्रहण करते हैं और 6 प्रकार की भाजी रहता है उसमें सेंधा नमक और क्या बोलते हैं ये लाल अंग्रेजी मिर्चा का हम लोग उपयोग करते हैं और सभी माता आज के दिन हम लोग अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखते हैं और इसमें हम लोग 6 प्रकार का भाजी और जो अन्न से जोताई जो करते हैं नहीं करते हैं उसमें से जो अन्न है उनका ही हम लोग उनका प्रहार करते हैं। जैसे पसहर में चावल है, 6 प्रकार का भाजी है, दूध है, दही है, जो भैंस का रहता है उसी के हम लोग उपयोग करते हैं इसमें। और हर षष्ठी मैया हम लोग का बच्चे लोग का दीर्घायु के लिए हम लोग काम करते हैं। हाँ, यहाँ बच्चे लोग के लिए किया जाता है और छत्तीसगढ़ में सब वही मनाया जाता है। इसमें खेत का जुता हुआ नहीं खाते, हल का जुता हुआ नहीं खाते, ऐसी भाजी खाते हैं और जो पानी में होता है वो चावल को खाते हैं। नियम वही है, हर षष्ठी माने 6 प्रकार के हर षष्ठी व्रत मानो दुर्गा ही की पूजा है, शंकर भगवान पार्वती और उसके साथ में कार्तिकेय गणेश जी की पूजा हम सब करते हैं। ये पूजा हमेशा सामूहिक रूप से ही किया जाता है ना, और हमारी सभी बहने एक साथ एकत्रित होकर कहीं पे चौराहे तो और ये उपवास जो है बच्चे के लिए उसके सुख समृद्धि के लिए है ना, जिसका कोई बालक नहीं है उसके लिए मनोकामना करके पूजा करते हैं। और षष्ठी का व्रत जो है फल का उल्लंघन इसमें नहीं करते हैं ना, और 6 प्रकार के भाजी बिना हल जोते हुए चावल का उसी का हम फलाहार करते हैं। हलषष्ठी माता के व्रत भाद्र कृष्ण पक्ष षष्ठमी के दिन बाल गोपाल की दीर्घायु सुख समृद्धि के कारण सभी व्रतधारी माताएं सुंदर उपवास करती हैं और सभी एक पवित्र स्थल में एकत्रित होकर के दो सुंदर सागर बना करके पंडित जी के द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके और सुंदर सागर में
पोती डुबा करके और पोती अपने घर में ले जा करके बालक के दीर्घायु के लिए और स्वस्थ मनोकामना पूर्ण करने के लिए उस बालक के पीठ में 6-6 बार हाथ लगाते हैं और माता हलकष्टी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हमारे पुत्र या पुत्री उनको दीर्घायु बनाए रखे, स्वस्थ रखे। यही कामना के साथ हम आपके व्रत और उपवास विधि विधान के साथ कर रहे हैं। और हलकष्टी माता के व्रत में सुंदर जो पूजन सामग्री उपयोग करते हैं उसमें अन्न के रूप में पसर के चावल और साग के रूप में 6 प्रकार की भाजी और गौ माता के दूध वर्जित है इसलिए भैंस का दूध, भैंस का दही से भगवान भोलेनाथ एवं हलकष्टी माता के पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद सुंदर सागर में जल भर करके 7 परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद सुंदर आशीर्वाद के रूप में ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके आशीर्वाद लेकर के अपने अपने घर में जा करके पारायण करते हैं। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्रतधारी महिलाएं शामिल रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। हमर क्लिनिक के भूमि पूजन पर पहुंचे शहर विधायक व महापौर बिना भूमि पूजन कर वापस लौट गए। इस मामले में केलाबाड़ी वार्ड में भाजपा कांग्रेस आमने सामने होकर जताया विरोध, साथ ही इस दौरान पार्षद और छाया पार्षद के बीच हुई धक्का मुक्की। दुर्ग केलाबाड़ी स्थित वार्ड 40 में शासन की योजना के अनुसार हमर क्लिनिक बनाने भूमि पूजन किया जाना था, वहीं स्थानीय और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बिना किसी अनुमति के शासन के पैसों का दुरुपयोग होना बताकर होने जा रहे इस भूमि पूजन का विरोध जताया, जिसके चलते मामला गरमाया और कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। चार लोग जो आए वो भी भाजपा के हैं, यहाँ भाजपा के घर के मालकिन हैं भैया, ये घर के लोग हैं पचरा। इस दौरान भूमि पूजन के लिए पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल भी मौके पर पहुंचे, जहां रास्ते में भाजपा के समर्थकों ने भूमि पूजन का विरोध जताया। वहीं बातचीत की गहमा गहमी में इतनी भीड़ होने लगी कि वार्ड 41 के कांग्रेस पार्षद हमीद खोखर और भाजपा के छाया पार्षद मतीन शेख के बीच धक्का मुक्की होने लगी, जिसे सभी ने मिलकर अलग कराया। इस दौरान केलाबाड़ी वार्ड में लगी भीड़ से जब शहर विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल से चर्चा की और भाजपा समर्थकों की बातें सुन भूमि पूजन के कार्यक्रम को पोस्टपोन कर चले गए। गौरतलब है कि जिस वार्ड और जगह पर हमर क्लिनिक का भूमि पूजन किया जाना था, वहां विरोध करने वाले लोगों ने बताया कि इस कंडीशन दान की जगह पर पहले से ही स्कूल निर्मित है और न ही इन्होंने किसी विभाग से NOC ली है। साथ ही कहा कि इस वार्ड की पार्षद नजत परवीन है, न कि हमीद खोखर। ये केलाबाड़ी स्कूल परिसर है और यहाँ हमर क्लिनिक बनाया जा रहा है वार्ड नंबर 41 के द्वारा, जबकि ये वार्ड नंबर 40 का एरिया है और इस कार्यक्रम में वार्ड नंबर 40 का पार्षद भी नहीं था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये स्कूल परिसर है, आप अगर बना रहे हो तो मोहल्ले वाले का परमिशन लीजिए, इसमें कोई परमिशन नहीं लिया गया है, जिससे ये मोहल्ले वाले विरोध ये क्लिनिक का विरोध नहीं किए, उन्होंने ये है कि ये जगह में मत बनाइए, यहाँ पार्किंग की सुविधा भी नहीं है और ये स्कूल जर्जर हो चुका है। अगर आपको स्कूल बनाना है तो आप आत्मानंद स्कूल बना दीजिए, इंग्लिश स्कूल बना दीजिए, ताकि बच्चे लोग का उद्धार हो जाए, बच्चे लोग यहाँ से पढ़ के अच्छे निकले। क्लिनिक तो आज यहाँ बहुत सारे है और आदमी यहाँ सक्षम है,
अपने मतलब इलाज करवाने के लिए, तो आप थोड़ा सा जगह को और कहीं बनाइए। और ऑलरेडी सिविल लाइन में वार्ड नंबर 40 में ये क्लिनिक बन चुका है और इन्हीं की योजना है कि हर वार्ड में एक क्लिनिक बनेगा, तो इस मोहल्ले में फिर दो क्लिनिक क्यों बना? उसी का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। अच्छा, विरोध भी नहीं, हम सिर्फ ज्ञापन देने आए थे विधायक महोदय को, लेकिन वार्ड नंबर 41 के जो पार्षद है यहाँ के मोहल्ले वाले को, और मैं खुद छाया पार्षद हूँ वार्ड नंबर 41 का बीजेपी से, उन्होंने धक्का मुक्की चालू किए और मेरी को ये गाड़ी में भी गिराए उन्होंने, और पूरे उनके जो थे सपोर्टर वो मेरे ऊपर झूम गए थे। राजेश भाई भी है जो यहीं ये बाल मंदिर के बाजू में रहते हैं, उनके इसमें भी थे, और हमारे मंडल के अध्यक्ष जो है सुनील साहू जी, उनके वो भी उनको उन्होंने धक्का मुक्की दिए है, और मेरी चप्पल उप्पल सब उन्होंने तोड़ दिए हैं, मेरे को गिरा दिए थे। फिर उन्होंने विधायक महोदय ने ये किया कि हम यहाँ पे भूमि पूजन नहीं करेंगे, लेकिन बातचीत करके गए हैं, आश्वासन दे के गए हैं कि हम यहाँ विचार करेंगे, बाद में आपको लोगों को बताया जाएगा। इस तरह एक प्रकार से प्रशासनिक आतंकवाद ही बोल सकते हैं कि बिना किसी यहाँ अधिकारियों में जो यहाँ के नेता है ज़बरदस्ती जिस तरीके से ये बिल्डिंग स्कूल की बिल्डिंग है, दान की ज़मीन पर बनी है, यहाँ खेलने के लिए बच्चों के लिए जगह नहीं है, खेल के लिए जगह नहीं है, और यहाँ पर अरुण बोरा द्वारा एक मोहल्ला क्लिनिक बनवाने का यहाँ पे घोषणा किया है कि यहाँ चालू करने के लिए आ रहे हैं, हमें जानकारी हुई है कि हम इसका विरोध करते हैं। ना यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी से कोई परमिशन है, ना ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से परमिशन है, ना शाला विकास समिति से परमिशन है, ना मोहल्ले वाले से कोई किसी प्रकार का NOC लिया गया है, किसी प्रकार का ऐसे बात किया गया है। ये ऐसा मैंने बोलना चाहिए दबाव और जो पावर का दुरुपयोग बोल सकते हैं। ना यहाँ पार्किंग की जगह है, कोई पेशेंट आएगा इन्फेक्शियस डिजीज से अगर रहेगा तो ये बच्चे पहले पीड़ित होंगे, ये मोहल्ले वाले पहले पीड़ित होंगे, और यहाँ से बहुत पास में अस्पताल जरूरत है यहाँ पर को, मेरे को तो लगता है जरूरत इतनी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होगी तो पोटिया इस्लाम एरिया जो बस्ती है ना, हमारे बोरसी का एरिया है, बोरसी भाटा का एरिया है, और यहाँ से लगे हुए जो इधर पीछे कुंद्रा पारा का एरिया वहाँ लगाइए, हमें किसी गाड़ी यहाँ 40 नंबर का जो पार्षद है वो खुद इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले तो इनका NOC चाहिए। ये सब ऐसे ही मैंने जबरदस्ती का ये कार्यक्रम चल रहा है, सिर्फ दबाव के कार्यक्रम चल रहा है। योजनाओं का कोई भी नागरिक विरोध नहीं करना चाहता और ना करेगा कभी, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे इस वार्ड के वासियों ने कभी ऐसे शासन की योजनाओं का विरोध किया है। लेकिन आप देखोगे कि जिस चीज़ का विरोध इस मोहल्ले के वासियों ने किया है, एक्चुअल में ये जो ज़मीन है इसको कुर्रे त्रिलोचन जी कुर्रे ने इसको दान में दिया था, और कंडीशनल दान में दिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें एक छोटा सा बालवाड़ी और बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड इस मोहल्ले वासियों को उन्होंने सौगात दिया। ये पूरा ज़मीन उसी का था। उन्होंने जब इसको बेचा तो उन्होंने कहा कि मैं सब लोगों के लिए एक गार्डन दूंगा तो आपके बच्चे यहाँ खेलेंगे, उस उद्देश्य से दिया गया था। तो यहाँ सब लोग बसे थे और प्रेम भाव से सब रहते भी हैं और शुरू से रहते हुए आ रहे हैं। हाँ, विधायक जी से हमने बताया कि ये ज़मीन ऑलरेडी दिया गया है कि दान के लिए, और स्कूल परमिशन आप ठीक है स्कूल बना दिए, स्कूल का कोई विरोध नहीं, स्कूल की आप स्थिति को देखेंगे, आप वीडियो ले लीजिए, पूरा जर्जर स्थिति है, कभी भी सज्जा गिर जाए, बच्चे के ऊपर गिर जाए, कल के रोज़ कौन होगा उसके लिए? अगर विधायक जी बोले मैं जिम्मेदार होंगे तो कोई बात नहीं, पूरा स्कूल जर्जर की स्थिति में है। तो हमारा यही विरोध था कि अगर स्कूल परिसर में आप देखेंगे, अभी कोरोना का महामारी आया था, एक घर में कोरोना होता तो 50 घर को बैन कर दिया जाता था, और यहाँ पर अगर क्लिनिक हॉस्पिटल बना दिया जाएगा और कोई डिजीज़ आएगा तो हम आस पड़ोस के लोग सब लोग पीड़ित हो जाएंगे, और छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप भी पीड़ित होंगे, उनके जरिए उनके घरों में फैलेगा। हमारा यही विरोध है। इस दौरान हो रहे विरोध पर शहर विधायक अरुण वोरा ने कार्यक्रम को पोस्टपोन कर सभी मौजूद लोगों को समझाया और सभी जरूरी दस्तावेजों की कार्रवाई होने के बाद ही भूमि पूजन किए जाने की बातें कहीं, जिससे नाराज पार्षद हमीद खोखर के समर्थकों ने इस घटना पर अपनी नाराजगी जताई। देखिए, विगत 20 वर्षों तक तो बीजेपी सरकार थी, उन्होंने ऐसा कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया। आज जब हमारी भूपेश सरकार आई है और माननीय विधायक महोदय के द्वारा जगह जगह हर वार्डों में दाई दीदी क्लिनिक, इस तरह के क्लिनिक खुलवाए जा रहे हैं, तो इन लोगों के छाती पर सांप लौट रहे हैं। इन लोगों को विरोध करना इन लोगों के बिल्कुल आदत ही हो गई है कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसके लिए विरोध करना है। मैं नहीं मानती, क्योंकि चार लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी सरकार माननीय विधायक महोदय जी, महापौर जी के माध्यम से जो अच्छे कार्य दुर्ग शहर में हो रहे हैं, तो इन लोगों को गले के नीचे नहीं उतर रहा है। तो इन लोगों ने सोच लिया कि विरोध करेंगे तो अपने आप जनता भी इनके विरोध में हो जाएगी। जनता को ये मालूम है कि ये सुविधाएँ उनके
छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए है, क्योंकि यदि डॉक्टर्स और नर्सेज यहाँ बैठेंगे तो छोटा मोटा इलाज जो यहाँ पे होगा, बाकी बड़े इलाज तो बड़े अस्पतालों में ही होता है। तो कोशिश ये की जा रही है कि अर्बन एरिया में हर वार्डों में इस तरह के क्लिनिक खोल दिए जाएँ जिससे छोटे मोटे जो उपचार हैं यहाँ के माध्यम नहीं। विधायक बिना भूमि पूजन के इसलिए गए हैं कि उन्होंने बोला अब हम जो करेंगे तो सिस्टमेटिक काम से करेंगे, क्योंकि कोई भी काम होना चाहिए सिस्टम से होना चाहिए। जो है हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरुण बोरा जी, महापौर धीरज बाकलीवाल जी के तत्वावधान में हमर क्लिनिक का भूमि पूजन होना था, जिसके लिए कल टाइम दिए थे आज का। लगभग 300-400 परिवार के लोग वार्ड के इकट्ठा भी हुए थे, जिसमें 40 नंबर और 41 नंबर वार्ड के पार्षद भी पूरे नागरिकगण आए थे। लगभग 1-1.5 घंटा बैठे रहे। और ये जो हमर क्लिनिक है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की महती योजना है कि गरीब आम जन को उसका लाभ मिले, उनको फ्री में इलाज मिले, फ्री में गोली दवाई मिले। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, किसी को फास्ट ट्रैक हो जाता है, कोई गिर जाता है, उसको तत्काल उनको इलाज मिल जाए, एक अच्छी योजना थी। लगभग भी 25 साल से ये जो भवन पड़ा है खाली है, इस पर बनाना था, इसमें भूमि पूजन करना था। ये 4-5 भाजपा के लोग तो चाहते भी नहीं कि अच्छी योजनाएँ उसको चालू हो। ये लोग आके जो है विरोध दर्ज किए, इसके नाम से वो वापस चले गए, बोले मैं 2-4 दिन बाद आके इसका भूमि पूजन करूंगा। मेरी बात सुनिए, इसकी जानकारी माननीय कलेक्टर महोदय जी को पहले ही हमने एंट्री करा दिया। आज से 4 महीने पहले मीटिंग हुई थी कलेक्टर मैडम महोदय जी के पास, तो हम लोगों ने इस जगह का उन्हें नोट करा लिया था कि हमर क्लिनिक हमको बनाना है, जिसमें 40 नंबर वार्ड, 41 नंबर वार्ड, 42 नंबर वार्ड जो श्रमिक बस्ती है आसपास बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने में, इनको इसका लाभ मिलेगा। आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिन भर में 200-300 रुपये गरीब आदमी कमाता है, उसके घर में अगर कोई बच्चा या उसके माता पिता अगर बुजुर्ग अगर बीमार हो जाता है तो पूरा पैसा निकल जाता है। क्या लगता है इस विरोध में भाजपा? नहीं, सिर्फ बीच पे देखो, कांग्रेस के और वार्ड के लोग हमारे साथ है, कांग्रेसी भी हमारे साथ है और पूरा वार्ड नंबर 41 सब हमारे साथ है। ये चंद लोग 5-6 लोग भाजपा के लोग आए, इन लोगों को क्या है ना, हमारी कांग्रेस की अच्छी नीति और अच्छे कार्य कर रहे हैं, इनको हजम नहीं हो रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, शहर पूरा, मैं MIC परिवार हूँ, हमीद खोकर मेरा नाम है, पूरा शहर हमारा है, मैं जिम्मेदार नागरिक हूं और ये पूरा शहर हमारा है। और जन कल्याणकारी योजना में जैसे सब लोग आए और MIC प्रभारी आया, पार्षद आया, वैसे मैं भी आया हूं। एक अच्छी योजना है और अच्छी योजना के लिए चालू कराने के लिए हम हर आखिरी तक जाएंगे। हम माननीय कलेक्टर महोदय जी से कल विधायक जी के द्वारा हम लोग मिलना है, उनसे विधिवत NSU अगर जैसा बोल रहे, हम अगर नहीं हुए तो हम ले लेंगे और उसके बाद काम को चालू कराएंगे। बनेगा क्लिनिक यहीं, लोगों को लाभ भी इसका मिलेगा जी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सोमवार को जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और विस्तारकों की बैठक आयोजित की गई। इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। अरुण साव ने बताया कि प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन और कई कार्य विधानसभा स्तर पर चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों की ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव की पूरी ताकत से तैयारी कर रही है और निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हमारे एक एक कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। आज की ये बैठक संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी, विधानसभा के संयोजक, विधानसभा के विस्तारक, इन पदाधिकारियों की आज बैठक हुई। बैठक में आगामी जो हमारे पार्टी के कार्यक्रम है, अभियान है, उनको तेज गति से आगे करके पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का, विधानसभा स्तर पर अलग अलग मुद्दों पर आंदोलन करने का, ऐसे सारे कार्यक्रमों की योजना रचना पर बातचीत हुई है। और निश्चित रूप से आज के बैठक से हमारे सभी पदाधिकारी उत्साह ऊर्जा के साथ जाएंगे और चुनाव के मैदान में पूरी ताकत से जुटेंगे। एक बार फिर से वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। टेंशन ना लो, शिवा ले।
प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान, बच्चों से ही है कल का भविष्य। तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग, रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। स्वागत है। अवंतीबाई चौक से कुछ मीटर आगे पाइपलाइन से संधारण के चलते मेन रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। आवाजाही वन वे हो जाने से जुनवानी रोड में दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है। रानी अवंतीबाई चौक के समीप लीकेज पाइपलाइन का संधारण कार्य जारी है, जिसके लिए सड़क को खोद कर ब्लॉक कर दिया गया है। यह कार्य पिछले कई दिनों से जारी है,
जिससे रानी अवंतीबाई चौक से सूर्या मॉल की ओर जा रहे सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहन चालकों को डाइवर्ट होना पड़ रहा है, जिससे यह मार्ग वन वे हो चुका है। वहीं सूर्या मॉल की ओर से अवंतीबाई चौक और अवंतीबाई चौक की ओर से सूर्या मॉल की ओर जा रहे वाहन चालक एक ही सड़क का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हर वक्त यहां दुर्घटना होने की संभावना बने रहती है। वहीं अवंतीबाई चौक में सुबह से देर रात तक यातायात बाधित रहता है। चौक को जल्दी क्रॉस करने की होड़ में वाहन चालक दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। पूर्व में पाइपलाइन में केवल एक ही जगह लीकेज हुआ था, अब दो अन्य स्थानों में भी पाइपलाइन में लीकेज हो चुका है, जिससे यह रास्ता लगातार बाधित रहने की संभावना बनी हुई है। लोग मजबूरीवश डाइवर्ट रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। अवंतीबाई चौक में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने यातायात विभाग की ओर से किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई है। रात के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। यहां लगातार चारों दिशाओं से वाहन आने के कारण चौक की यातायात व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। अभी यह स्थिति लगातार बने रहने की संभावना है। अवंतीबाई चौक में ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को तैनात किए जाने की जरूरत है। जब तक रास्ते का संधारण कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक यहां से आवाजाही करना खतरनाक बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वृंदानगर वार्ड 29 में सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य का भूमि पूजन मंगलवार को संपन्न हुआ। विधायक निधि से बनने जा रहे सार्वजनिक मंच की मांग लंबे समय से की जा रही थी। वृंदानगर वार्ड 29 में सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य का भूमि पूजन वार्ड पार्षद संजय सिंह ने स्थानीय रहवासियों के साथ किया। मंच निर्माण का कार्य स्वर्गीय विधायक विद्यारतन भसीन की निधि से होने जा रहा है। मंच के निर्माण की मांग वर्षों से लोगों द्वारा की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हो चुकी है। 3 लाख रुपए की लागत से मंच निर्माण कार्य संपन्न कराया जाएगा। मंच निर्माण कार्य के भूमि पूजन अवसर पर वार्ड की महिलाएं और पुरुष काफी संख्या में मौजूद थे। भूमि पूजन की जानकारी वार्ड पार्षद संजय सिंह ने दी। वार्ड 29 वृंदानगर, आज यहाँ पे भूमि पूजन हुआ है मंच का। यहाँ पे सार्वजनिक मंच स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी के द्वारा दिया गया। काफ़ी लंबे समय से लोगों की मांग थी यहाँ पे। उनके द्वारा बहुत सारे हमारे वार्ड में विकास कार्य हुए हैं। आज उनके द्वारा एक सफल भूमि पूजन किया गया है। उनका बहुत सहयोग रहा हमारे इसमें। 1 लाख रुपए की लागत से इसका मंच का कार्य हो रहा है। अभी आने वाले समय में रोड नाली सारी चीज़ों का व्यवस्थित किया जा रहा है। जल्द से जल्द ये सारी भूमि पूजन किया जाएगा। गौरतलब है कि वैशाली नगर के स्वर्गीय विधायक विद्यारतन भसीन की निधि से वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य जारी हैं, जिससे लोगों की बहुप्रतीक्षित मांगें पूरी हो रही हैं। विधायक निधि से ही मंच निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन संपन्न हुआ है। भविष्य में अन्य निर्माण कार्यों के शुरू होने की जानकारी पार्षद संजय सिंह ने दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग के शक्ति नगर में वृद्ध महिला की लाश मिलने से फैली सनसनी के बाद मौके पर पहुंची दुर्ग पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई। वृद्ध मां के हत्यारे निकले बेटा और बहू। दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र स्थित शक्ति नगर वार्ड अंबेडकर आवास के सामने हुई वृद्ध महिला की हत्या। लगभग 80 वर्षीय मृतका का नाम रुक्मणी चंद्राकर बताया गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुटी। गौरतलब है कि पुलिस जांच के दौरान मृतिका के शव के मुंह, गले के दाएं बाएं चोट और दबाए जैसे प्रतीत होना पाया गया, जिसके चलते पुलिस की पता साजी के बाद आरोपी लखन चंद्राकर और उसकी पत्नी द्रौपदी चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया। इसे लेकर दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने मोहन नगर थाने में मीडिया को बताया कि आरोपी लखन चंद्राकर, उसकी पत्नी द्रौपदी चंद्राकर दोनों षड्यंत्र रचकर मकान को अपने कब्जे में लेने के लिए मृतिका रुक्मणी चंद्राकर से रोजाना के लड़ाई झगड़ा कर घर से निकालने के साथ ही वाद विवाद और मारपीट किया करते थे। साथ ही इसी के चलते हत्या की घटना को अंजाम देकर हत्या को छुपाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में दुर्ग सीएसपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कलम को सूचना मिली थी कि एक बुजुर्ग महिला की
मृत्यु हो गई है। मृत्यु पर मर कायम कर हमारे योजना अधिकारी वहाँ योजना करने पहुँचे थे। योजना के दौरान उनके गले में चोट के निशान हमको दिखाई दिया, जिस पर कड़ाई से पूछताछ करने पर यह पता चला कि उसके संपत्ति को लेकर उसके पुत्र के साथ विवाद था, जिस पर उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। अंतिम संस्कार के लिए उनके घर में कोई था नहीं, उनका एक पुत्र पहले से ही घर में नहीं है और ये दूसरा पुत्र है, तो आखिर में उनके दूसरे पुत्र के द्वारा ही अंतिम संस्कार किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी। अवैध शराब परिवहन करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पुलिस ने और फिर कब्जे से 86 पौवा देशी मसाला व बाइक बरामद किया है। जब्त शराब की कीमत 9460 रुपए आकी गई है। आज दिनांक को थाना वैशाली नगर के स्टाफ के द्वारा एक आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई है, जो अशोक कोसरे नाम का व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से 84 नग देशी मदिरा प्लेन लेके जा रहा था, जिसे पूछताछ करने पर किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं करने पर उसके विरुद्ध में 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गाड़ी की जब्ती किस क्षेत्र से हुई है? गाड़ी की जब्ती साथ में जो परिवहन कर रहा था उसी हिसाब से साथ में थी। नाम और परिचय? मैं निरीक्षक प्रदीप सूरी, थाना प्रभारी वैशाली नगर। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।